आज दोस्तों मैं पोटा कलेजी बनाने जा रहा हूँ। इसके लिए मसाला रेडी कर लिया हूँ। ये आधे लहसुन का पेस्ट है, एक काली मिर्च जीरा का पेस्ट है। पोटा कलेजी के लिए मैं 250 ग्राम प्याज ले लिया हूँ। हाफ किलो मेरा पोटा एंड कलेजी है, देख सकते हैं दोस्तों। कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है दोस्तों। अब इसमें डाल रहा सरसों का तेल, बस करो हो जाएगा। अब इसमें जाएगा दोस्तों लाल मिर्च। चलो अब डाल लो प्याज। चलो तो जब तक गोल्डन कलर ना हो जाए तब तक भूनते रहना है प्याज को। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा कच्चा मिर्च, ठीक है। चला प्याज को गलने के लिए दोस्तों थोड़ा सा नमक डाल रहा हूँ, ठीक है। चला प्याज मेरा दोस्तों गोल्डन कलर हो गया है। अब इसमें डालेंगे टमाटर। डालो टमाटर, इसको डाल के 5 मिनट चला लेना दोनों। टमाटर मेरा गल गया है, अब इसमें डालेंगे आधे लहसुन का पेस्ट। डालो डालो डालो। चला इसको कम से कम 2 मिनट भूनना है, जब तक अदरक अच्छे से पक ना जाए। अदरक प्याज टमाटर मेरा गल गया, अब इसमें जाएगा गोलकी जीरा का पेस्ट। चला अच्छे से इसको चला लेना है, इसको कम से कम 2 मिनट भूनना है। पानी डाल रहा हूँ इसको। चला चला अब इसमें थोड़ा जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। डालो तो चला अब इसमें जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च। डालो कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा ही डालना है। डाल के चला मसाला मेरा रेडी हो गया दोस्तों। अब इसमें जाएगा पोटा एंड कलेजी। डालो थोड़ा कलेजी। चलो चला डाल के इसको कम से कम 15 मिनट भूनना है दोस्तों। चलो ढको, ढक के इसको 15 मिनट कम से कम ढक ढक के भूनना है। 2 मिनट हो गए मेरे दोस्तों। अब उभार के देख रहा हूँ किस तरह हुआ है। देखिए 2 मिनट पूरा हुआ है मेरा, देखिए किस तरह लग रहा है। बटन खिलाइए, देखने में क्या लग रहा है दोस्तों। अब इसका फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे दोस्तों। पोटा एंड कलेजी मैंने बन के रेडी हो गया दोस्तों। देखिए कलर किस तरह लग रहा है। चलाओ थोड़ा दिखा दो, देखिए। अब थोड़ा इसमें पानी एड कर दे रहे हैं, हल्का पानी डाल दो, हल्का पानी डाल दो, हल्का सा पानी एड कर देते दोस्तों। छोड़ दो, चला देख सकते दोस्तों किस लजवाब लग रहा है।